लोग का जो धमाका है ना सर, तो आज भी जब बजता है तो धमाके। अभी नया प्रोजेक्ट मेरा अंकुश राजा के साथ आने वाला है। हर के हो मांग में से नूर भले भारी हो, दूर दिलावा से तो के ना करी हो, हम डर के दर्द से। ये भी गाना हिट हुआ था, फिर देवर हो डर लागे अचरंग से, ये गाना चला। नमस्कार प्रणाम, हम सतीश सरकार और आप सब देखा तनी हंगामा जंक्शन। तो आज हम पहुंच चुकल बनी भोजपुरी के धमाकेदार या फिर कह सकें ना मसालेदार संगीतकार गीतकार के पास, जो कि नाम है आर पंकज जी, जिनका पास पहुँच के हम बहुत सारा उनसे बात करम और आप सभी के भी गाना उनसे सुनाएं, कौन कौन सा गाना लिखले बने, कौन कौन सा गाना भैया के हिट भइल बा। तो सबसे पहले भैया स्वागत बा हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। तो सबसे पहले भी अपन परिचय बता दी। नमस्कार प्रणाम, हम गीतकार आर पंकज और आप सब हंगामा जंक्शन देखे वाला जितना भी श्रोता बनी सबके प्रणाम करता नहीं। और हमने के गीत संगीत पर आज कुछ चर्चा करम जा। सतीश सरकार जी आयल बनी हमारे इंटरव्यू लेवे खातिर और आज हमने के बहुत पहलू पे बात हुई, जौन जौन भाई हमसे पूछी है और जौन जौन हम तभी। सबसे पहले आजकल जौन डिमांड बा, गायक लोग बहुत तरह के गाना गावत हैं जी, देखते बनी आजकल भोजपुरी से भाव छाव दोनों गायक बा, खाली व्यू के होड़ मचल बा, तो यह बात पे का राय बा? अब मतलब कि यह बात के बढ़ुए कि ये जनता के ही बढ़ुए, ऐसा बात नहीं कि भोजपुरी से भाव छाव दोनों गायबा, भाव भी भाव छाव भी बढ़ुए, बस खाली चाव लोग के बदल गए बढ़ुए। व्यू के लड़ाई का है बा? व्यू के लड़ाई बस होड़ मचल बढ़ुए कि व्यू ज़्यादा दिखावे के बढ़ुए, लेकिन आज भी गाना उहे बाजेला जो जमीनी स्तर से जुड़ के जाला, जौना में भाव रहेला, जौना के कुछ अर्थ रहेला। अब बाकी अनर्थ वाला गाना हो जाला लोग एका दुका लोग पसंद करे ले, लेकिन वो लंबा ना टिक सकेला, लंबा मतलब सब मतलब दो चार दिन बाजी फिर मार्केट से गायब। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो भोजपुरी संगीत ही का है, जैसे कि बिहार में होला का नौकरी के प्रति बहुत सारा लोग भागल हम, जैसे कि हमरो पता बा देखले भी बानी कि राउर भी सरकारी नौकरी लाग चुकल रहे शायद एयरफोर्स में जी, छोड़ देनी जी। जबकि बिहार के लड़का के सबसे बड़ा मतलब अभी के डेट में भी देखल जाए या फिर पहले भी परिवार से भी प्रेशर देखल जाओ तो सरकारी नौकरी खातिर बहुत ज़्यादा रहला, लेकिन उस सब चीज़ छोड़ के संगीत के दुनिया में का है? देखिए सबसे पहले हमार ज्वाइनिंग ना भई रहे एयरफोर्स में, हमार नॉन टेक में 2005 में एग्जाम दे रहे हम दिल्ली रेस कोर्स में, उसमें सिलेक्शन भई रहे हमने के येलो कार्ड धारी रही जा हमने के, ठीक बा, ग्रीन कार्ड नहीं रहे, एबिलिटी ज़्यादा रहे लड़का लोग के, एक के चलते हमने के बुलावा शायद ना आई लोग के, हमार तब तक रुख बदल मतलब कन्फर्म नहीं के कि मतलब ना आई लोग के आई भी हुई ना आयल तो नहीं है वो, काहे कि तब तक हम संगीत में रुझान कर चुके हैं। संगीत में तो 2003 से ही बनी। हाँ तो उकरा पहले ही सब बनी और फिर हम पहला गाना अगर देखल जाओ जी, तो अभी जे भोजपुरी के सबसे पावर स्टार कहल जा सके लन पवन सिंह जी खातिर रहे जी जी, फिटिंग कुछ करके गाना रहे, तो वो गाना के दो लाइन बताएं जो दर्शक भी सुनस। पहला गाना हम 2003 में लिखले रही और पवन सिंह जी गौले रही और टी सीरीज कंपनी से आई रहे, वो गाना रहे अर की अपना के स्मार्ट लगावेली, ईटा ईट फिटिंग देखावेली, सबका पर रोब जमावेली, फ्रीडम से फ्री होके आवेली आवेली, फ्रीडम से फ्री होके आवेली। अच्छा जैसे सुनो जला मार्केट में भी हाला बा कि भैया गीतकार के साथ साथ संगीतकार गायक भी यानी, तो कौन कौन गाना ऐसा गैले बनी भैया? गीतकार के साथ साथ संगीतकार, देखिए हमने के इंडस्ट्रीज में चाहे म्यूजिक इंडस्ट्रीज में संगीतकार वो होला जो गाना के कंपोज करेला, गीतकार के मतलब है कि खाली गीत लिखते हो, तो हमने के गीत लिखला से लेके और कंपोज करे तक और हम तो गायकी अपन म्यूजिक सेटअप भी बार देख सकता नहीं, ये पीछे सेटअप लागल बा, साउंड कार्ड बढ़ुए, स्पीकर बढ़ुए और म्यूजिक हम खुद करीला भी, और जरूरत लागे तो हमारे जो भी सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर बालो, मतलब कि ये अपन हाथ के कला है, इससे हम फिल्म के भी म्यूजिक कैले बनी, बद्रीनाथ के कैले बनी, अभी अनाथों के नाथ भोलेनाथ छोटू छलिया जी के पिक्चर शूट भइल है, एकरा पहले बहुत सारे एल्बम के हम म्यूजिक कर चुकल बनी। तो जैसे कि कौन सा गाना गैले बनी, जैसे गायकी के रूप में कौन सा गाना गैले बनी? गायकी के रूप में देखिए स्पेशल हम अपन कोनो गाना नहीं की गौले, लेकिन डुएट वगैरह जहाँ जहाँ मौका मिलल बढ़ुए तो ओकरा के आदमी गैले बा, मंच भी बहुत ज़्यादा हम कैले बनी, आप सब यूट्यूब पे आर आर पंकज स्टेज शो देख लिख के सर्च कर सकते नहीं। तो जैसे कि संगीत के दुनिया में जो भी बहुत सारा कलाकार बने, तो जब गाना लिखी ना तो क्या
उनकर डिमांड पे लिखी ना कि अपना से लिख के फिर दिखाई ना कि गाना है बा गावे के का थी का विचार बा। देखिए दो तरह से काम होला संगीत में, एक होला कि जौन भी पुरान गायक बड़े वो रिक्वायरमेंट करेले कि हमरा हे तरह के गाना चाहिए, हमरा हे तरह के। तो कौन तरह के गाना आजकल डिमांड में बा, के तरह के गाना लिखे के डिमांड बा? देखिए हमनी से तो लोग हमनी तरह के डिमांड कर ला, हमनी के लोग जाने ला कि हमनी के गंदा ना लिखे, जैसे गंदा हमनी से लोग डिमांडे ना करे, पहले ही से पता बढ़वे कि गंदा ना लिखी ला तो गंदा डिमांड ना करी, मतलब मार्केट में वो वैल्यू बा। हाँ यो पता बढ़वे कि गाना एने से उन्हें कह के चोरा लुका के ना लिखे ला लोग, तो वो लोग ना करे ला, ऐसा लोग कहबो कर ला तो हमनी के वही से चोरा लुका के जौन कहानी है वो बात। तो अभी नया में जौन चलता एकदम लेटेस्ट चलता आरा में अलू कुछ ऐसा करके चलता प्रमोद प्रेमी जी के आ रहा बा, दो तीन लोग और गा रहा बने, तो ए पे का विचार बा? अब ए पे स्टार कहे कि स्टार लोग गावत है ना कि छोटा मोटा लोग हो रहा बड़ू ऐसा लोग कर रहा बा, लेकिन ना करे के चाहिए केहू के भी, जेकर भी पहले हम ई जानत नहीं केकर गाना पहले है, लेकिन अगर जेकर भी पहले बड़ू कॉपी ना करे के चाहिए। हमने के भोजपुरी गाना आजकल एकदम भोज बना दे बा, लोग मिलजुल के लोग हिट कराते हैं, अभी देखल जाओ 15 आदमी गा देते हैं, अभी देखल जाओ तो भोजपुरी हिंदी से आगे बा, काहे आगे बा करीजन? देखी म्यूजिक में एक पे ट्रेंड करता पानी पानी जी, और दो या तीन पे ट्रेंड करता पवन सिंह जी का गाना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दर्शक के मिलला के बाद ये जो चोरी होता है, चाहे फिर एक एक गाना के 20 लोग गा देता, ऐसे भोजपुरी का इमेज ना खराब हुई भोजपुरी म्यूजिक लाइन के? देखिए बिल्कुल इमेज खराब हो रहा भाई, हमने के घरेलू बात बा, भोजपुरी हमने के घर है, तो आज न घरेलू बात बा, कल लोग देखियो तो बाहर भी तो बात जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल गाना जे भी गावे की, जैसे हिंदी इंडस्ट्रीज में लोग सपोर्ट करे वो गाना वाला, तो सब लोग मिलजुल के प्रचार कर ला, ना कि ओकर के बेइज्जत कर दे वाला जले के। तो देख यहां से ये ना होता है कूलर वाला वो गाना चला रहा है छोटा लड़का के, ओकरो ये भइल ई तो छीछा लेदर, यो गाना आरा वाला भी गाना हो गई, तो कूलर वाला गाना किसी साल इधर कर दी हलो गारा वाला कई लोग बहुत, ये दुए गो गाना उदाहरण नहीं कि उदाहरण बहुत हजारों गाना बढ़ुए, लेकिन गाना फिलहाल के नया बा ना, नया बढ़ुए फिलहाल के, लेकिन ऐसा जो भी करते ना करे के चाहिए हमारा हिसाब से, ना करे के चाहिए और लोग कर रहा बढ़ुए। अच्छा कुछ साल पहले इंटरव्यू दे रही कह रहे हैं कि जौन गीतकार बने कल्पना करके गाना लिखे लो ठीक जी, तो हुक राजा जी राउरे गाना जी, तो ओ समय पर मन में क्या कल्पना चलत रहे? देखिए मन में जैसे हमने सिंगार रस चलत रहे जी, हमने के मन में गाना लिखे नहीं जा, जौन भी बढ़ुए तो हमने के सुख में रह के भी दुख के गाना लिखे के बाद, और दुख में रह के भी सुख के गाना लिखे के बाद, मसाला भी लिखे के बाद, धमाकेदार भी जी बिल्कुल। मान ली मेडिकल स्टोर बढ़ुए ऊँचा दवाई भी बेचाता जहर भी बेचाता रुए ठीक, अब दर्शक के ऊपर बाबू का खरीदी हन, अब मान ली कि मेडिकल चलाओ तो रुए तो जहर भी बा दवाई भी बा ओकर बा, और वो जहरे पसंद पड़ता आ भाई मेडिकल वाला भोजन क्या जरूरत पड़ल कि कलू जी के लड़की बना देनी जा? कौन चीज में? हुक राजा जी में उगाना में कलू जी लड़की के पार्ट के लिए बना ना, अपन अपन ट्रेंड रहे कलू जी कहे के लिए, कलू जी के साथ से खेसारी जी कहले, पोनू जी को फिल्म में कहले बड़े तो लगे, लेकिन हिंदी इंडस्ट्री कल्पना ऐसा केकरा देख के भई रहे, निशा दुबे जी भी रही गाना में, हिंदी इंडस्ट्रीज में भी बढ़ रहे की औरत के रोल करके हीरो लीड कर रहा बढ़ुए, तो ये सब ट्रेंड है कला लुभावे खातिर कला बढ़ो, ऐसा ना कि कलू जी साड़ी पहन ले तो कलू जी लड़की हो गई, लड़की नहीं हो गई बात, ये बा की कल्पना कौन चीज पे गई रहे कि कलू जी के लड़की बनावे पड़ल, दुबे जी भी रही में कल्पना ऐसा कुछ ना रहे गाना के हिसाब से लोग का, कलू जी खैर वो गाना में लड़की ना बन रहा आई रहे, एगो और गाना भी आई रहे चुबुर चुबुर नहीं जाई बाजारे की नीलाई है घर वो खराब बन रहा कलू जी लड़की, और तो उस समय के गाना जो रहे एगो एल्बम रहे चुबुर चुबुर करके में बहुत सारा गाना रहे, या फिर ओकरा पहले भी एल्बम रहे, आ एगो गाना गइल बा 400 मिलियन पार करीब, तो कौन गाना दो लाइन चार लाइन दर्शक लोग के भी सुनाई कि आनंद आ सके, क्या 400 मिलियन गइल बा तो जबरदस्त गाना हो, 300 मिलियन क्रॉस के ले बा अभी जैसे, मतलब 400 मिलियन तो चलिए जाए, क्या कि गाना तो जबरदस्त हुई तब न जाता, 400 मिलियन भी पार हुई जोड़ दें तो बहुत सारा साइट पे बढ़ो, एक वेब म्यूजिक के साइट पे बढ़ो तो जो ना के 300 मिलियन क्रॉस बढ़ो, ऑडियो के हमने के इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बा कि उतना बड़ा ऑडियो सॉन्ग केहू के हिट निके, ओकर आज तक वीडियो नहीं किया आइल, और ऑडियो तो क्या विचार बा ओकर वीडियो बनी, मान ली इतना बड़ा गाना बा कंपनी के ई हैंड ओवर कंपनी के ऑथराइज कंपनी के हमने गाना लिखे नहीं जाता, लिखनी तो कुछ तो डिमांड कर सकते हैं भैया की, जैसे की हमार गाना बा तो कोई डिमांड के वीडियो भी करोगे के चाहिए, कंपनी अपना हिसाब से सोचत हुई अगर शूट कैले हुई शूट कर रहा हुई कंपनी के, तो वो गाना सुनाई जो की बहुत सारा लोग प्यार दे लेगा, तो दो चार लाइन हमारो दर्शक के सुना दी, हर कि तुम मेरे बाद, हर कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे,
तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। गाना धमाकेदार बा, तबे व्यू गइल बा, ई सबे के पता बा। बिल्कुल। तो हमार कहना बा, जैसे गीतकार के रूप में अभी के जो माहौल चल रहल बा, केहू के केहू भी लड़की होके कोई भी लड़की के नाम लेके कोई भी गाना लिखल जाता है, जैसे कि पूजवा बदल गइले, रिंकिया के पापा, तो एकरा चलते लड़की लोग के का दिक्कत जाता है, वो कहे के जरूरत नहीं के घर से निकलल दुर्बर बा, या फिर कहीं कॉलेज स्कूल जाता रही तो लड़का लोग के मतलब समझ सकता नहीं हम का कर चाहता नहीं, तो ए पे का विचार बा? देखिए, ए पे एकरा पहले विवाद भी भई रहला काफी, और हाल ही में विवाद भई रहला, तो विवाद तो जरूरी रहे ना, मान लो कि केहू के भी बहन होके, बेटी होके, वाइफ होके, या फिर माता के नाम होके, सत्य 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 होला, जहर जहर होला, ठीक बा, जहर हुई तो हम खाएं तो मुहब आर वो खाएब तो मुहब, तो जहर अकेले थोड़े बा, ठीक बा, घर सबके होला, माई बाप सबके होले, समाज सबके होला, तो गलती करी तो जे गलती करी ओकरा सुनहे के परी भैया। और ए पर हमने के मुद्दा उठ चुकल बा, विवाद उठ चुकल बा, इंडस्ट्रीज के लोग एकरा पर आगे आ चुकल बड़ू, तो अब ऐसा ना होके के चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करब, और जे भी गाए वाला बड़ू आ लिखे वाला बड़ू, सबसे हम ये रिक्वेस्ट करम कि आहिंदा ऐसा गाना ना लिखी जवना से व्यक्तिगत केहू के ठेस पहुँचे, जबकि ना लिखे के चाहिए, ना करे के चाहिए। हमने के भोजपुरी भाषा इतना मीठ भाषा बड़ू कि आज हमने के हिंदी वाले लोग नाम लेते हैं, जाके हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहा बा, ट्रेंडिंग वन पे और ट्रेंडिंग टू पे आज चार दिन से चल रहा बा, ट्रेंड कर रहा बा हमनी के गाना, तो भोजपुरी हमनी के बहुत आगे गइल बा, आ आगे ले जाए में हमनी के योगदान बड़ू, आगे गइल बा, लोग पसंद भी कर रहा, पसंद भी कर रहा बड़ू, तब हेलो कौन जो गाना बा, हिंदी इंडस्ट्रीज के लोग काम कर रहा बा भोजपुरी वाला के साथे, ई गर्व के बात बा भोजपुरी खातिर, हेलो कौन 800 मिलियन गइल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा गाना देखल जाओ तो हेलो कौन बड़ू है, तो 800 मिलियन छोटा ना, खाली बिहार के तो लोग ना, यूपी के ना देख लो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ए विचार में बाकी मतलब कि ये सब चीज बंद कर देवे के चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग सोचते हैं कि हम संगीतकार बनी या गीतकार बनी, नया लोग तो भविष्य में देखते हैं, तो उनका लोग खातिर क्या रहा है कि हमें भविष्य सुरक्षित बा, या फिर कह जाओ कि कुछ और भी देख के साथ साथ ही पार्ट टाइम कर सकेलन? देखिए, ये जो संगीत बढ़ुए, संगीत से सभे प्रेम करला, संगीत से जानवर प्रेम करला, सांप प्रेम करेला, गाय भैंस प्रेम करला, संगीत बाजेला तो आराम से सुनेला, सांप भी प्रेम करला बैठ के सुनेला, डॉक्टर भी प्रेम कर ले, मरीज के इलाज भी विदेश में संगीत से होला, बहुत तरह के संगीत, तो संगीत में हर रोग के समाधान बा, जब तक संगीत बढ़ुए, जब तक हमने के गीत गाना में लागल बन जाए, तब तक हमने के ये ना बुझाला कि हमने घर परिवार का दिक्कत बा, चाहे पर्सनली शरीर में का दिक्कत बा, मनोरंजन होला संगीत में, तो संगीत से सबके प्रेम हो, और जरा भी संगीत में आगे बढ़े के बढ़ुए, अगर आप बढ़िया सीढ़ी लेके चलब रुआ, हमारे के आज जानत नहीं, आज देखत नहीं, लेकिन हमारा ये गाना लिखत 19 साल हो गए, 2003 में पहुँच जी हमारे गाना गोले रहे, 2003 में वो घड़ी पहने के चप्पल, अच्छा 2003 में जब गाना लिखनी, तो वो समय जोन रहे जो गायकी भइल या फिर गायकी भइल, ये दोनों जन लिखत भइल चाहे फिर गावत गाना भइल, वो समय समाज बहुत है सबके दूसरा तरीका से देखा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो समय में कौन कौन चुनौती के सामना करो, या फिर कहल जाओ तो कौन कौन ऐसा अथी भइल की बाधा के सामना करे पड़ा? देखिए, पहला समाज तो दूर के चीज में, पहले घर से बाधा शुरू हो जाला, संगीत में जब ढुकनी हमने के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत कहाँ से शुरू होला, संगीत में रुआ पढ़े गए घर से स्कूल में, वही से रुआ सुर लागे लगे, जो सुरदार लयदार होला, तो गीत पढ़िए लिखिए कम बेसी 15 अगस्त के जरूर तैयारी करिए, 26 जनवरी सकराहे पहुँच जाइए, ठीक बा, तो एगो बढ़िया गाना गा दी, क्योंकि मास्टर लोग मतलब कि जो स्कूल में अलग छवि भी बन जाला, मान ली कि ना लड़का जो पूरा स्कूल में लोग जाने लगे कि लड़का बढ़िया गावे ला या फिर बढ़िया लिखे ला, वैसे ही हमारे साथ भाई रहे, आगे कहीं गाना लिखनी, गाना गावे लगनी, फिर हाई स्कूल में गईनी तो उजो लिखनी, उजो गावे लगनी, धीरे धीरे होला। हाँ, लेकिन घर से सहयोग शुरू में ना मिलत रहे, हमारे बाबा कहस कि ये गारियो देते रहन कि ई नचनिया बजनिया होई, बैल बड़ा नचनिया बजनिया, तू नचनिया होइबे बजनिया होइबे करत रहन, तो आज ही मिस करना कि बाबा रहतन तो कहतन, बाबा रहन, और जब हम अपन कुछ कैनी एक से गीत संगीत से नाम कैनी, और माने हमारा बाबा के नाम रहे, मान ली कहते रहन कि हमारे 5-10 गाँव के लोग हमारे के चिन्हला,
हमारे बाबा कहना है हमारा के जवान के लोग चिन्ह है सुगात में तो कहत हूं कि नाम मत दुआ वो जन 5 10 में चिन्हत हैं। लेकिन एगो समय आइल कि हमारे बाबा जी के तबीयत खराब भई रहे 3 साल पहले और PMCH में गइलन उनकर एडमिट ना कइल जात रहे उनका के। तो हम छोटू छलिया जी के फोन कइनी आ छोटू छलिया जी फिर फोन कइनी ओजा राजद कार्यालय में तेजस्वी जी के यहाँ आ ओजा से फिर फोन कल के वो कलाकार के घरेलू के बड़ू ओकरा के एडमिट करे के बाद तो बाबा के हमारे एडमिट भइल। तो फिर हम दिल्ली से रही दिल्ली से हम पहुँचनी बाबा के यहाँ तो हम कहनी कि देख ये नचनिया बजनिया ऐजा टीचर हम पेशा से तो कहनी कि देख तार 5 गाँव के लोग ऐजा काम ना अली तो कहल ना कहनी ना कि 5 गाँव छोड़ी ऐजा स्टेट चिन्ह था नचनियो बजनिया देखनी कहनी देख नचनियो बजनिया में अगर तू जगह पर आदमी चल जाए मेहनत करके तो भी सार्थक होला। तो बाबा बहुत खुश भइलन आज यही गीत संगीत से हमनी के जौन कुछ भी बा खाना पीना रहना सहना पैसा ही है। अच्छा आजकल जो नया एगो ट्रेंड चल रहा बा जो भी गायक नया बतणे उ शॉर्टकट अपना बतणे उ शॉर्टकट कह सकें एगो अश्लीलता के भी शॉर्टकट माना तड़े या फिर एगो होलन जाति विशेष शॉर्टकट तो ये दोनों चीज के बारे में क्या रहा है जैसे जाति पे गाना गा के लोग हिट हो जाते हैं लोग बहुत सारा बड़े ऐसे बतावे की जरूरत नहीं कि तो लाइन से बाई तो जाना तो नहीं तो ये बारे में कुछ दर्शक लोग को भी बता दी। देखिए अश्लीलता तो एक प्रकार के क्या कहने की रो जहर है हुए वो अश्लील रुआ करत नहीं रुआ अश्लील करके अगर बहुत बड़ा स्टार हो जाता तो कहीं मुंह दिखावे लायक ना हो जहाँ जाइम 5 गो गाड़ी सुने के मिले जहाँ जाइम कोनो टीवी चैनल पर हुआ जाए लायक ना रह जाए कोनो रियलिटी शो में जाए लायक ना रह जाए। अभी तक जितना गाना लिखे हैं या फिर किए हैं अभी नया प्रोजेक्ट कौन कौन आने वाला है किसके किसके साथ? अभी नया प्रोजेक्ट मेरा अंकुश राजा के साथ आने वाला है और रितेश पांडे। अंकुश राजा के साथ कौन कौन सा गाना अभी तक दे चुके हैं? लोकगीत आ रहा है और सैड सॉन्ग आ रहा है। अभी अंकुश राजा जी के गाना आ ही रहा है हमारे साथ। डुएट गाना रहे शिल्पी राजा अंकुश राजा जी के। हर के हो मांग में से नूर भले भारी हो दूर दिलावा से तोह के न करी हो कि न त टूटी नहीं आई सन बुझला हो बुझला हो बुझला हो तई हे बतिया बोले लू जब जान इहे बतिया बोले लू जब जान कर जबा जुड़ाला हो इहे बतिया बोले लू जब जान कर जबा जुड़ाला हो। अभी यही गाना के धुन उन के लेके बहुत सारा गाना आइला तोहरा अखिया के कजर है जान झगड़ा लगा देल जो से दू पहले दू महीना पहले भी अखिया झगड़ा जो गाना है आप ही का है? नहीं मेरा गाना नहीं है। तो इस सुनने में आया जो झगड़ा गाना है 1.5 साल पहले भी आया था किसी का पता नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो इस पे तो लोग चर्चा में कर रहे हैं। सर्च नहीं किया हूं, अब लोकल आप तो समझ रहे होंगे ना कि मतलब लोग इस बारे में दबी जुबान में बात कर रहे हैं मुझे विशेष पता नहीं इसलिए कि हम अपने काम में बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे लोगों का एक होता है कि हम रोज सोशल मीडिया पर आए धमाका फोड़े बम फोड़े हम लोग नहीं फोड़ते हैं। हम लोग बस गाना आता है तो लिख के लिंक डाल देते हैं कि ये मेरा गाना आया हुआ है इसमें धमाका बम हम लोग नहीं फोड़ते हैं। तो बहुत सारा लोग तो लिखता है कि धमाका करने वाले हैं तुरंत हम। जो जमाना में हम लोग बम और धमाका फोड़े थे ना सर तो ऐसा धमाका होता था ना कि साल भर एक ही आवाज़ गूंजता था। लेकिन आजकल आज भी बजता है। हाँ आजकल धमाका साप्ताहिक हो गया है। एक सप्ताह में धमाका होता है और एक ही सप्ताह में धुआं पता भी नहीं चलता कि मिट्टी कहाँ धमाका हुआ था फिर दूसरा धमाका होता है। लेकिन हम लोगों का जो धमाका है ना सर तो आज भी जब बजता है तो धमाके लगता है। तो इसीलिए हम लोग ये सब नहीं लिखते हैं बस सीधे सीधे हाँ भैया हम गाना लिखते हैं रोजी रोटी चलता है तो धमाका करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पसंद करने का जरूरत नहीं है हल अपने आप हो जाता है बस बस। पिछला साल मेरा 2-3 गाने हिट हुए थे जैसे मोनी हो डांड के दर्द से। हाँ ये गाना हिट हुआ था। तो दो लाइन सर ये वाला गाना सुना दीजिए ना ये मोनी हो हर किरानी का है सुतत बड़ू भुइया हो हर पूरा देहिया में चुभता सुहिया हो हर काहे डेरालू अरे छुट काहे डेरालू भोजपुरिया के लोभ से लोभ से लोभ से मोनी हो मुआनी हो हम डैड के दर्द से। ये भी गाना हिट हुआ था। फिर देवर हो डर लागे अछरंग से ये गाना चला था। अच्छा जब गाना आप लिखते हैं जब गाना लिखना शुरू करते हैं जी तो ड्यूट गाना में किसकी कल्पना करके लिखते हैं क्या मतलब मन में विचार चलते रहते हैं?
नहीं, कल्पना नहीं किया जाता है। देखिए दो तरह के गाने होते हैं, एक तो होता है कि जो गाना बन गया उसके हिसाब से, और कुछ गाने होते हैं कि हमको इस और इस करेक्टर को लेकर, तो वो तो मान लीजिए कोई कोई देता होगा कि हमको इस तरह का गाना चाहिए, लेकिन जो नहीं देता है, जो बोलता है कि हमको एक गाना चाहिए, तो उसके लिए कैसा गाना आप लिखना पसंद करेंगे? भैया कवि की कल्पना, हम तो खुद अपना कल्पना नहीं जानते हैं कि हम रात्रि की कल्पना करते कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मन में क्या विचार चलता? मान लीजिए कोई बोला कि आपसे कि हमको एक गाना चाहिए जो हिट करे, मतलब अच्छा गाना चाहिए, हिट का नहीं अच्छा गाना चाहिए, तो हम उससे यही कहते हैं। बहुत लोग रोज कहते हैं कि भैया हमको हिट मैटर चाहिए तो कहने की हिट मैटर चाहिए, आपको पता कर लेंगे कौन हिट मैटर है। कहते नहीं भैया, आप लोग जो कहेंगे तो ये बता दीजिए कि अब गाए नहीं, आपको हिट मैटर चाहिए। जब यही पता होता है तो गाना गाने हमको आता है भैया, मैटर लिखने आता है, तो हम ही गा के हिट नहीं हो जाते। हमारा कौन सा भरा भाग्य है खाली हम गाना लिखते रहेंगे, जब हिटे हमको पता हो जाए, और नहीं तो हम भेज रहे हैं उसमें से हिट आपको समझ में आ रहा है तो मोहर छाट लीजिए। अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि हम गाना लिखता नहीं या हिट दूसरे लोग करता? मतलब कि देखिए राइटर का जो फेस होता है वो कैमरा पे तो होता नहीं है, आप हिट करवाते हैं तो आपको दर्शक लोग जो है बहुत कम लोग जानता होगा, या फिर जो जानता भी है तो जानता है कि हाँ भैया गीतकार हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि हमू तो नहीं गई थी, हमू कैमरा पे गई थी? देखिए अपनी अपनी जो है, जैसे मैं गाना लिखता हूँ, मैं गाता भी हूँ, और म्यूजिक मेरा ये हिट तो बहुत दे दिए, ठीक है। हमको जैसे नहीं होता है कि वीडियो ऑडियो ये थोड़ा हमको पसंद नहीं है, जैसे वीडियो में काम करना तो मन नहीं करता है कि कितना लोग के हिट करनी, हम ही कहियो हिट हुई थी। कैमरा पर बहुत ज्यादा मेरा फोकस नहीं रहता है, अपने संगीत पे गीत पे फोकस रहता है मुझे। और रह गई कि हिट होने की बात, तो वो हिट मान ली कि हम इस उल्टा नहीं सोचते हैं उसको, गायक को इतना लोग जान रहे हैं, हमको कोई नहीं पूछ रहा, ये नहीं सोचते। पूछने के बाद नहीं, नाम तो सबे जानता है। हम बस यही जानते हैं कि हम मान लीजिए कि 100 गायक का गाना लिखते हैं, कल्लू जी है, रितेश पांडे जी है, खेसारी भैया है, पवन जी है, अंकुश राजा जी है, शिव कुमार बिकू है, रूपमा जादव है, एक्स वाई जेड जितने लोग हैं सबके मैं गाना लिखता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब 100 गायक हमको जान रहे हैं, हमारा कदर कर रहे हैं, और उसके इतने ऑडियंस होंगे, मतलब कि इतने करोड़ों ऑडियंस को ये गायक को जानते हैं, और वैसे बहुत गायक हमको जानते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना। अच्छा कैमरा पे आने का मन नहीं करता है? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं रहता है, और भगवान कैमरा पे आप लोग कभी कभी मौका, छोटी मोटी इंटरव्यू आप लोग ले लेते हैं, वहीं हमारे लिए खुशनसीबी है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कि इतना व्यस्त समय में हम लोग के लिए समय निकाले, हम लोग के लिए समय दिए, और बहुत सारा दर्शक लोग को भी आप गाना उना सुनाए। तो अब समझ गए होंगे दर्शक लोग भी कि काहे हम धमाकेदार और काहे मसालेदार कहानी शुरुआत में, काहे कि धमाका होला कब, जब गाना आवेला, और मसालेदार जब गाना सुनला के बाद लागेला। तो बहुत धन्यवाद बा। बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो चुकल बा, अंकुश राजा जी के, रितेश पांडे जी के, कल्लू जी के हो चुकल बड़ुए, छोटू छलिया जी के हो चुकल बा, अनुपमा जादव के हो चुकल बा, शिव कुमार, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग भर पड़ी, समय समय के हिसाब से वो सब गाना सुनने के मिली। तो बहुत जल्दी सर फिर धमाका करियन, इंतजार करी जाए।